नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आइए 12 जून से लेकर के 18 जून तक साप्ताहिक फलादेश के विषय में आपसे वार्तालाप करें। यह जून का मास थोड़ा गर्मी लिए हुए है, इसलिए आप लोग भी थोड़े से बेचैन से चल रहे हों, क्योंकि अधिक गर्मी भी जो है शरीर को मध्यम कर देती है, परंतु इस गर्मी के अंदर भी आनंद है। वो आनंद कैसे लेना है, ग्रहों की चाल किस प्रकार से चल रही है और उनका किस प्रकार से सदुपयोग हो सके, यह हमें सोचना पड़ेगा। तो इस सप्ताह के अंतर्गत विशेषतः जल का दान करें, हो सके अपने मकान छत जहाँ भी आप रहते हो एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा जल भर के रख दें पक्षियों के लिए, क्योंकि वो जल जीव दूर परिंदे रहते हैं। वैसे तो परमात्मा ने उनके लिए कहीं ना कहीं जल अन्न की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन यदि परमात्मा के इस कार्य में हम भी थोड़ा सहयोग दे दें तो ये बड़ा लाभकारी होगा। तो आइए मित्रों, सबसे पहले मेष राशि के साथ चलते हैं। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह अधिक अच्छा नहीं है, मन चित्त में थोड़ा सा द्वंद्व चलता रहेगा, कार्य में कहीं ना कहीं रुकावट बाधाएं बन रही हैं जिसके कारण बस मन व्यथित रहेगा। इस सप्ताह के अंतर्गत भगवान शंकर जी की आप आराधना करें, परमात्मा आपके कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करेंगे। वृष राशि वालों के लिए भी सामान्यतः जो जैसे पीछे से समय चल रहा था वैसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है। धन की थोड़ी बहुत टाइटनेस रहेगी, कहाँ से आए कहाँ खर्च करें, क्योंकि आय कम होगी और व्यय ज़्यादा होगा, जिसके कारण बस परिवार का जो कहते हैं ना परिवार का जो एक बजट बनाते हैं नित्य प्रति का, उस बजट में कहीं ना कहीं खलबली होगी। इस बार चिंता न करें, थोड़ा सा इस समय को बड़े आनंद के साथ चलाएं। मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, विपरीत परिस्थितियों में भी लाभ होने की पूर्ण संभावना है, तो इसलिए धन धान्य की वृद्धि रहेगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है, चिंता न करें, बड़ा सफलता प्राप्त होगी, हर प्रकार से लाभकारी है और मित्रजनों से भी सहयोग पूर्ण प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन धान्य की वृद्धि होगी, यशमान में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लाभकारी है, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, मित्रों का सहयोग बना रहेगा। तुला राशि वालों के लिए जो पहले से आप कार्य करते आ रहे हो उसमें और भी सफलता मिलती चली जाएगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख वृद्धि रहेगी, धन धान्य यशमान में वृद्धि रहेगी और मित्रों से पूर्ण सहयोग रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अच्छा है, बहुत लाभकारी है, धन धान्य यशमान वृद्धि रहेगी, मित्रों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा, परिवार में भी सुखानंद रहेगा। धनु राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, पेट का विकार रहेगा जो आपके मन मस्तिष्क को भी परेशान करेगा, इसलिए थोड़ा सा योग के द्वारा थोड़ा सा दवा के द्वारा अपने स्वास्थ्य को संपूर्ण ठीक रखें, सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि वालों के साथ में चलें तो यह समय उनके लिए भी अच्छा नहीं मित्रों। इस समय शनि प्रचंभ भाव से चल करके मकर राशि वालों के लिए जो है कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, इसलिए वाहन इत्यादि को सोच समझ के चलाइए। करना क्या है, शनिवार के दिन सरसों के तेल कटोरी में तेल लेकर के उसमें अपना प्रतिबिंब देखिए, छाया देखिए, उस तेल को अगर डकोत आता है उसको दे दीजिए, अगर नहीं आता तो शनि मंदिर में या काली के मंदिर में चढ़ा दीजिए, दीपक जला दीजिए, बड़ा लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, परेशानी उत्पन्न हो रही हैं, आपका अपना ही कोई आपको धोखा देगा, इसलिए ध्यान रखना, धन का अपव्यय होगा, इसको कैसे कंट्रोल करें तो आपने करना क्या है, गौ माता की सेवा करें, परमात्मा गौ माता आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। कुंभ के बाद चलते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, परिवार में सुख आनंद रहेगा, धन धान्य की वृद्धि रहेगी, अपने से बड़ों का मान सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।